नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको हम इंसानों के द्वारा बनाई गई एक इनक्रेडिबल दुनिया को कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ओके, लेट अस सी। देखिए कितनी खूबसूरत दुनिया हमने तैयार की है, और बड़ी बात यह है कि इस दुनिया को देखने के लिए कोई मन की आंखें नहीं, जो दो आंखें प्रकृति ने दी है वही चाहिए। यहां पे आप देख पाओगे सारी गलती इस कछुए की है जो इस जाल के रास्ते में आया, और यहाँ पे सारी गलती इस केकड़े की है जो इस थैली के रास्ते में आया, क्योंकि जाल और थैली तो अपनी जगह तैर रहे थे। और इन तस्वीरों को देखकर तो आई वॉज सेटेड एंड शॉक्ड, क्योंकि इतना बड़ा नेचुरल हैबिटेट हमने इन पक्षियों के लिए तैयार किया है, इनके आहार की व्यवस्था है, वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आप खा सकते हो, चाहे बोतल खाइए, ढक्कन खाइए, थैली खाइए, सभी प्रकार के प्लास्टिक्स आपको खाने को मिल जाएंगे। तो पूरे विश्व को हमने प्लास्टिक कचरे से भर दिया है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, और इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आप जिस भी गांव, कस्बे या शहर में रह रहे हो वहां हर जगह आपको प्लास्टिक कचरा देखने को मिल जाएगा। ऐसे कचरे के ढेर मिलेंगे जहां हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई तो ऐसे जीव हैं जो आज विलुप्ति के कगार पे हैं। हम इंसानों ने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा, न तालाब, बावड़ी, कोई जंगल, माउंटेन्स, लैंड लैंड, कोई भी मैदान, गांव, शहर, कस्बा, हर जगह प्लास्टिक कचरा भरा पड़ा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, हु पेज फॉर द प्लास्टिक पॉल्यूशन? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड ए ट्रीटी टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन? इस सवाल को जानने से पहले हम कुछ स्टेटिक आंकड़ों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्शन बाई द रीजन इन 2019 और 2022 का भी आंकड़ा सेम ही है, इसमें चाइना 32% हो चुका है। तो देखिए, चाइना एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व का 32% प्लास्टिक का प्रोडक्शन करता है, और NFTA, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको वगैरह शामिल है, ये 19% पूरे विश्व का प्लास्टिक प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे यूरोप 16%, एशिया 17%, मिडल ईस्ट 7%, लैटिन अमेरिका 4%। रीजन वाइज हमने देखा कि प्लास्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लेकिन जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन पूरे विश्व में हो रहा है उसका मिसमैनेज कितना हो रहा है ये बताता है मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स, MWI। तो जो देश आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मिसमैनेज्ड बहुत ज्यादा होता है, यानी कि MWI स्टेटस इज वेरी हाई। और ग्रीन कलर में जो देश नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वेरी लो है MWI स्टेटस, कि इन देशों के पास जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है या फिर जितना भी इंपोर्ट करवाते हैं उसको मैनेज करने की कैपेसिटी है, लेकिन जो देश लाल रंग में नजर आ रहे हैं उनके पास मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है। प्लास्टिक का प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन मिसमैनेज बहुत ज्यादा होता है। एंड स्पेसिफिकली कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया प्लास्टिक वेस्ट इस साल 7.4 मिलियन टन उत्पन्न होने वाला है, जबकि MWI स्टेटस इज वेरी वेरी हाई। अगर आप 0 से 100 की तरफ चलोगे तो आप समझ लीजिए आपके देश में प्लास्टिक को मैनेज करने की कैपेसिटी इज वेरी वेरी पुअर, बहुत जीरो है। और MWI रैंक मिली है 98.558, मीन्स जो पॉइंट्स मिले हैं वो ये रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे रसिया का भी सेम हाल है, रसिया में प्लास्टिक जो है वेस्ट रहने वाला है, जस्ट वेट अ मिनट, प्लास्टिक वेस्ट रहेगा 3.2 मिलियन टन, जबकि MWI स्टेटस आप देखोगे तो इज वेरी वेरी हाई, और रैंक भी जो है पॉइंट्स भी इनको हाई मिले हैं। सेम थिंग आप देखोगे दूसरे देशों के साथ में है, लेकिन चाइना का एग्जाम्पल आप देखिए, प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे 37.6 मिलियन टन रहने वाला है, जबकि MWI स्टेटस इज वेरी वेरी लो, यानी कि चाइना के पास जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन होगा, जितना वेस्ट होगा उसको मैनेज किया जाएगा देश में, और इनके पास पॉइंट्स हैं 17.41। तो इस रिपोर्ट से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि किस देश के पास में प्लास्टिक को मैनेज करने की कैपेसिटी है। तो कुछ गिने चुने देश हैं जो साल भर में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक को मैनेज करके रखते हैं, जैसे टॉप 10 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट, उसमें चाइना और USA तो शामिल है ही हैं। इसके अलावा इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इटली, ये टॉप 10 में है। और बड़ी बात यह है देखिए कि चाइना के पास 37 और USA के पास 22.9 मिलियन टन सालाना उत्पन्न होता है। तो इंडिया आप देखोगे ना, चाइना का पांचवा और USA का तीसरा हिस्सा है, बट फिर भी इंडिया के पास मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है।
और प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को अगर आप देखोगे, इनका मानना है कि 2021 से अब तक प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन में 7.11% का राइज देखने को मिला है। अब ये प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है? तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे विश्व में उत्पादित प्लास्टिक की या फिर प्लास्टिक को मैनेज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। द डेट व्हेन द अमाउंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट वे द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू मैनेज इट, यानी कि एक ऐसा दिन आ चुका है कि आज के बाद से हमें नहीं पता कि जितना प्लास्टिक विश्व में उत्पादित होगा उसका करना क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। और पूरे विश्व के लिए लिए ये दिन आता है 5 सितंबर, यानी कि 2024 में ये 5 सितंबर रहने वाला है। 5 सितंबर के बाद हमें नहीं पता कि इस विश्व में जितना प्लास्टिक का हम उत्पादन करेंगे उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको जलाएंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे या कैसे करेंगे, हमें नहीं पता। तो इसको कहा जाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। ए कंट्रीज प्लास्टिक ओवरशूट डे इनकॉर्पोरेट द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय द पॉपुलेशन एंड हाउ वेल द प्लास्टिक वेस्ट इज मैनेज्ड। अगर नेशन वाइज अगर आप देखोगे तो 9 जनवरी है इरिट्रिया, मतलब इसको अच्छे से समझिए कि इरिट्रिया एक ऐसा देश है जिसका प्लास्टिक ओवरशूट डे 9 जनवरी को ही आ रहा है। मतलब ये रहा कि 9 जनवरी के बाद इरिट्रिया को नहीं पता कि उसके देश में उत्पादित प्लास्टिक वेस्ट और या बाहर से जो मंगवाया है उसका करना क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। केवल 8 दिन इनके पास है, 8 दिन की कैपेसिटी इरिट्रिया के पास में। ऐसे इथियोपिया 18 जनवरी है, कुवैत आप देखोगे तो यहां पे रहेगा दैट इज 28 जनवरी। और भारत के लिए आप देखोगे तो ये दिन 23 अप्रैल रहेगा। इसके बाद रशिया है 27 अप्रैल। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास 23 अप्रैल तक का समय है, या फिर 23 अप्रैल तक प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने की कैपेसिटी है। उसके बाद भारत को भी नहीं पता अगले 8 महीने देश में उत्पादित प्लास्टिक और इम्पोर्टेड प्लास्टिक का करना क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। और जिन देशों का प्लास्टिक ओवरशूट डे सितंबर के बाद आता है, जैसे कि नवंबर या फिर दिसंबर, वो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर रहने वाले हैं। नाउ द कंट्रीब्यूशन टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे बाय द कंट्रीज। तो देखिए, शुरुआत के 248 दिन हमको पता है कैसे प्लास्टिक कचरे को मैनेज करना है, उसको रिसाइकल कैसे करना है, रीयूज कैसे करना है, वो सब हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन उसके बाद किसी को नहीं पता। उसके बाद आप देखिए अगले 70 दिन केवल 12 देश ऐसे हैं विश्व में जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द 60% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट, और उनमें इंडिया शामिल है। टॉप 5 में आप देख पाओगे तो चाइना है, इंडिया है, रशिया, ब्राजील एंड मेक्सिको है, इसके बाद वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्त, पाकिस्तान, यूएस एंड द तुर्की। तो ये 12 देश वो हैं जो अगले 70 दिन पूरे विश्व का 60% प्लास्टिक जनरेट करेंगे, और फिर अगले 46 डेज पूरा विश्व शामिल हो जाता है। तो ऐसे इसको कैटेगराइज करके रखा जाता है। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि 220 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इस साल क्रिएट होने वाला है। ईए अर्थ एक्शन, तो ये एक संस्थान है, इनके अनुसार, और इन्होंने ये बताया कि इंडिया अमंग द 12 नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ द मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। और इन 12 देशों के बारे में हम बात भी कर चुके हैं, आप देख पाओगे चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएस एंड तुर्की शामिल हैं। अगर भारत की हम बात करें पर्टिकुलरली, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया, इस रिपोर्ट का कहना यह है कि देखिए, वैसे तो इंडिया को हमने क्लासिफाई किया है एक लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पोल्यूटर के में, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा पर ईयर प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। ड्यू टू इट्स लो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन, हमारे पूरे देश में पर कैपिटा प्रोडक्शन आप देखोगे तो केवल 8 kg ही है, राइट, पर ईयर की बात हो रही है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे ये 100 से लेकर 400 तक जाता है, 100 kg से लेकर 400 kg तक, जैसे कि इजिप्ट की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए, इरिट्रिया है, इथोपिया है, मंगोलिया है, ठीक है, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। लेकिन इंडिया में पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन कम है, इसीलिए इंडिया को लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पोल्यूटर में डाला गया है। लेकिन बावजूद इसके इंडिया इस साल 7.4 मिलियन टन प्लास्टिक को इस पृथ्वी में छोड़ देगा, इस संसार में जो है दम कर देगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था,
हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इंडिया चाइना का तो 1/5 है और यूएसए का 1/3 प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट करता है, बावजूद उसके इंडिया तीसरे नंबर पे यहाँ पे है। और पूरे विश्व में इस साल अगर आप देखोगे तो 462 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने वाला है, जिसमें से 9 से लेकर 14 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग समुद्र में डाल देंगे, ओशंस में डाल देंगे, जिससे हमारी नदियां, तालाब, तालाब बावड़ी ये सब जो है गंदे होने वाले हैं। और कहा जाता है कि 2040 तक ये प्लास्टिक समुद्रों में 3 गुना बढ़ने वाला है। दिस मे बी ट्रिपल बाय द 2040। आप एवरेज देखिए, अगर 12 एवरेज माने तो 12 3 36, तो 36% या फिर 36 टन मिलियन टन प्लास्टिक समुद्रों में हम लोग वे जो डंप करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से 800 से ज्यादा मैराइन और कोस्टल स्पीसीज अफेक्ट हो रही हैं, उनका जो है नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनकी प्रजाति जो है विलुप्ति की कगार पे खड़ी हो गई है। तो सवाल फिर से वही बनता है, हु पेज फॉर दी प्लास्टिक पोल्यूशन? क्या विश्व इस प्लास्टिक से लड़ने के लिए कोई काम या फिर कोई कदम यहाँ पे उठा रहा है? तो इसका जवाब रहेगा हाँ, हम 2 मार्च 2022 को नैरोबी केन्या में यूएन नेशंस इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और पूरे विश्व ने ये रियलाइज किया कि प्लास्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए उसका रिसाइकल करना या फिर उसको बर्न करना एक सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड द यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक लिस्ट ऑफ गोल्स को जो है ऑफर किया, जो यहाँ पे ऑफर करती है डाइवर्स अल्टरनेटिव टू दी टू एड्रेस द फुल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लास्टिक, द डिजाइन एंड डिजाइन ऑफ रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स, एंड द नीड फॉर एनहांस इंटरनेशनल कोलेबरेशन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन। सो दैट मार्च 2, 2022 का दिन एक हिस्टोरिक डे था। इन द कैंपेन टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन नेशंस कमिट टू डेवलप ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, कि हमको एक ऐसी ट्रीटी या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जो लीगली बाइंडिंग हो। और यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंडरसन ने कहा, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मल्टीलेटरल डील सिंस द पेरिस एक्ट, जो कि 2015 में साइन हुआ था, टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होगा, उसमें 17 जो है सस्टेनेबल गोल हमने निर्धारित किए हैं जो 2030 तक अचीव कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अकॉर्ड था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो इनका कहना है कि 2015 के बाद में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीमेंट होगा, कोई डील होगी, तो ये वो रहने वाली है प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए। और इस मीटिंग में, 2 मार्च वाली मीटिंग में, एक आईएनसी का गठन किया गया, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन द प्लास्टिक पोल्यूशन। द रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन द 3 इनिशियल ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस फ्रॉम द वेरियस नेशंस एस्टैब्लिश्ड एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो जो शुरुआत के 3 ड्राफ्ट आए थे, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट आए थे जो अडॉप्ट किए गए थे 2 मार्च 2022 को, उनके अनुसार एक आईएनसी का गठन किया गया है, जिसके सर पे बोझ ये रहेगा कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगी फॉर द ग्लोबल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2014, यानी कि 2024 से पहले हमको एक ड्राफ्ट तैयार करना है। और इस मीटिंग्स की अगर टाइमलाइन आप देखोगे तो शुरुआत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 5.2 यानी कि 5वां सेशन था, और दिन था दूसरा। तो दूसरे दिन में ये जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 175 नेशंस के साथ, 175 नेशंस ने मिलके। और उसके बाद आप देखोगे 2022 में ही ओईडब्ल्यूजी की मीटिंग होती है, दैट इज ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, ये इसी का एक पार्ट है। फिर इसके बाद आईएनसी की स्थापना कर दी जाती है, जिसकी पहली मीटिंग होती है 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में, ये उरुग्वे में होती है। और फिर इनकी तीसरी मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है पेरिस फ्रांस में, तीसरी होती है नैरोबी केन्या के अंदर। इसके बाद आप देखोगे जो चौथी मीटिंग है IMC-4, ये 21 से 29 अप्रैल के बीच में ओटावा कनाडा में हुई है, यानी कि अभी हाल ही में ये मीटिंग होके कंप्लीट हुई है, फिनिश हुई है। और हम बात करेंगे इस मीटिंग्स में कौन कौन से
रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है या फिर कौन कौन सी आउटकम्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आईएनसी की जो पांचवी मीटिंग होगी वो नवंबर से दिसंबर में होने वाली है बुसान कोरिया के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली जो ड्राफ्ट यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद 2025 के मिड में जो ट्रीटी है या जो एग्रीमेंट हम बनाने वाले हैं उसको साइन कर लिया जाएगा, उसको रेटिफाई देशों के द्वारा कर लिया जाएगा। ऐसा अभी के लिए जो है टाइमलाइन चल रही है। सो जो पांच चौथी हमारी मीटिंग हुई है, सेशन फोर्थ हुआ है आईएनसी का, ये 23 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में हुआ है, ओटावा कनाडा में हुआ है। यहाँ पे बड़ी बात ये रही कि 195 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया और सभी एक मत होकर ये एग्री हुए कि पूरे विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम। कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में तो हम एक मत हो गए हैं, लेकिन जिस बात के लिए इकट्ठा हुए थे वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। बट द डेलीगेट डेलीगेट्स टू दी नेगोशिएशंस ऑन प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड ओवर व्हाट द ट्रीटी शुड इंक्लूड्स। कि इस संधि के अंदर, इस एग्रीमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करें, कौन सी अप्रोच रखें, क्या चीजें बाइंडिंग होनी चाहिए या फिर अप्रोचेबल होनी वॉलेंट्री होनी चाहिए, तो किस अप्रोच को हम इसमें डालें। क्योंकि कुछ देशों का कहना है कि आप चीजों को बाइंडिंग मत करो, उसको स्वैच्छिक छोड़ दीजिए। कुछ का कहना है कि आप बाइंडिंग नहीं करोगे तो फिर जो हमारे गोल्स हैं, जो अचीवमेंट हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। सो दी व्हाट कंट्रीज इंडस्ट्रीज एंड एक्टिविस्ट वांट इन द प्लास्टिक ट्रीटी। देश भी बटे हुए हैं, इंडस्ट्रीज भी बटी हुई हैं, एक्टिविस्ट हैं वो भी बटे हुए हैं। हम बात करेंगे कि ये लोग चाहते क्या हैं, एक कैसी ट्रीटी हमारे सामने आए, कैसा एग्रीमेंट हम चाहते हैं, तो इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से गाइस एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करके जाना। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करना। नाउ डिफिकल्टीज इन द नेगोशिएशंस, तो देखिए कुछ देश जो हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं मेजर्स लाइक द प्रोडक्शन लिमिट। अब कुछ देश का कहना है कि जो प्रोडक्शन है उस पर आप लिमिट लगा दीजिए, उसको रिड्यूस कर दीजिए, लेकिन कुछ देश उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और कुछ देश यहां पे चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको हाल्ट कर दीजिए, लेकिन कुछ देश उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो भी यहां पे आप प्रावधान लेके आने वाले हो वो वॉलेंट्री होने चाहिए, बाइंडिंग नेचर के नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये बाइंडिंग होने चाहिए, वॉलेंट्री नेचर के नहीं होने चाहिए। तो ये डिफिकल्टीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ऐसे ही कुछ देशों का मानना है, जैसे कि डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो उनका कहना है कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एक डेडिकेटेड मल्टीलेटरल फंड होना चाहिए, और इस फंड में जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित राष्ट्र है, जैसे कि यूएसए, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जापान, ये सब इसमें फंड में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जो विकासशील देश हैं वो इसका लाभ उठाएं अपने देश में कचरा को कम करने के लिए। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो इस बात को मानने से राजी नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी इनके बीच में चल रहा है। सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन टू दिस ग्लोबल प्रॉब्लम सेड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंडिया और जापान का मानना है कि जो वाटर है या फिर ये जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो केवल और केवल ओशन पोल्यूशन को ही डील करे। हालांकि बाद में जापान को और इंडिया को मना लिया जाता है कि वो इस अकॉर्ड को एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया और जापान एक साथ खड़े नजर आएंगे, और ऐसे ही इंडिया अगेंस्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्रोडक्शन। क्योंकि कुछ देश कहते थे कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए ऑन दी प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन ही बंद कर दीजिए प्लास्टिक का तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इंडिया कहता है कि प्रोडक्शन यदि आप जो है बंद कर देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इस उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो है देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया ने आप देखोगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया, तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आज देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली मार्च महीने में एक रिपोर्ट आई थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि फिर इंडिया को भी बाद में इसके लिए मना लिया गया, क्योंकि वॉलेंट्री शब्द का उस ड्राफ्ट में 4 बार मेंशन किया गया है जो 2 मार्च 2022 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं वॉलेंट्री चीजों को भी लाना चाहता है। और ऐसे ही आप देखोगे कुछ ऐसे देश हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना जैसे, जो कि लाइक माइंडेड कंट्रीज हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि जो प्लास्टिक है देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है
वो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको ये लोग अपोज कर, उसके रिस्ट्रिक्शंस पे और उसके लिमिट पे अपोज करते हैं। दे हैव बीन ब्लॉक्ड अदर कंट्रीज फ्रॉम कॉलिंग फॉर प्रोडक्शन लिमिट्स, यानी प्रोडक्शन लिमिट के लिए जो कॉल आई थी उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। केमिकल डिस्क्लोजर्स और रिडक्शन टाइमलाइन आफ्टर द लास्ट ईयर्स मीटिंग इन द नैरोबी, जो कि नवंबर महीने में हुई थी 2023 में। तो अब देखिए एक लॉबी यहाँ पे बन के उभर रही है, ग्रुप्स यहाँ पे बन रहे हैं देशों के भी, तो एक एकमत हम नहीं हो पा रहे हैं। जो पिछली जो 3 मीटिंग्स हुई हैं आईएनसी की, उनमें भी कुछ इंक्लूसिव कंक्लूजन सामने नहीं आया है। ऐसे ही आप देखोगे हाई एम्बिशन कोएलिशन, जिसके अंदर 60 नेशन शामिल हैं, जैसे कि पूरा यूरोपियन यूनियन शामिल है, जापान शामिल है, यूएई इसका पार्ट है, ठीक है। इन देशों ने कहा कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है बाई दी 2040, और 2040 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा प्रोडक्शन को। देखिए हाई एम्बिशन कोएलिशन का क्या मानना है कि आप लिमिट लगा दीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए प्रोडक्शन के ऊपर। जबकि इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, ईरान है, इसके अलावा तुर्की वगैरह है, वो प्रोडक्शन पे लिमिट नहीं चाहते हैं, है ना। और सस्टेनेबल लेवल की बात करते हैं, ये कहते हैं टू एंड द यूज ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिंगल यूज प्लास्टिक ओवर टाइम एंड टू बैन सम केमिकल्स दैट माइट कैरी हेल्थ रिस्क। तो जो केमिकल्स हमको चाहिए प्लास्टिक बनाने के लिए, उन केमिकल्स पे भी ये बैन लगाने की बात करते हैं हाई एम्बिशन कोएलिशन वाले देश। जबकि इंडिया की बात करें या फिर चाइना, वही पीछे वाले जो नेशंस मैंने आपको बताए, वो केमिकल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो इस पे बैन नहीं चाहते हैं। और ऐसे ही अमेरिका की बात करें तो वो चाहता है कि 2040 तक प्लास्टिक को हम लोग खत्म कर दें, प्लास्टिक को यानी कि एक तरीके से मैनेज कर लिया जाए, जो ओवरशूट हमारा डे है वो कहीं ना कहीं दिसंबर महीने में जाके फॉल हो। लेकिन अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि सभी नेशंस सेट देयर ओन प्लान्स, देश के पास अपने खुद के भी प्लान होने चाहिए, और रेगुलरली हम लोग इन्फॉर्म करें टू द यूएन फॉर देयर प्लान्स। हालांकि बाइंडिंग एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो, लेकिन प्रत्येक देश अपने हिसाब से भी प्लान्स बनाए, जैसे कि आप देखोगे पेरिस अकॉर्ड को लेकर हमने बनाए हैं, ठीक है। तो आईएनसी ने एक्नोलेज किया है दैट द अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कुड बी नेसेसरी, कि जो अगला एक राउंड होने वाला है वो बहुत बहुत जरूरी है और हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा हिच देखने को मिल रहा है 2024 में, क्योंकि यूएस में भी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार हो सकता है गिर जाए, जो बाइडेन की सरकार अगर चली जाती है तो इस संधि को साइन करने में हमको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आप देखोगे वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हमेशा से अपोज करते आए हैं, पेरिस एग्रीमेंट से इन्होंने खुद को बाहर कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन जब पावर में आए तो इन्होंने फिर से एग्रीमेंट को साइन किया। तो ये असल इन दोनों के बीच में भी देखने को मिलती है। तो कहा जा रहा है कि 2024 से पहले ये ड्राफ्ट तैयार हो जाए और हमारी जो संधि है वो साइन की जा सके, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन जो कि लिमिट की बात करता है, जो रिडक्शन की बात करता है, प्रोडक्शन के ऊपर कटौती की बात करता है, तो उनकी एक हिपोक्रेटी एक हिपोक्रेसी हमारे सामने है कि ईयू बैंक्स हैव पावर्ड 256 बिलियन यूरो इन टू दिस सेक्टर्स दैट थ्रेटन नेचर एंड द क्लाइमेट। ये 26 मार्च 2024 का आर्टिकल आर्टिकल है ग्रीन पीस का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो ऐसे देश जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो पेपर वर्क न करें, ग्राउंड लेवल पर भी काम करके दिखाएं, ऐसे सेक्टर्स में पैसा न डालें जो थ्रेटन करते हैं नेचर को, क्लाइमेट को, आप दूसरे जगह इसको शिफ्ट कर सकते हो। नाउ दी व्हाट डज द इंडस्ट्री वांट्स, इंडस्ट्री क्या चाहती है। अब ये तो हमने देखा कि देश क्या चाहते हैं, आपने देखा अलग अलग देश की अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग नीड्स है, तो उनके अनुसार वो इस संधि में चीजें चाहते हैं, प्रावधान चाहते हैं, ठीक है। इंडिया का भी हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या चाहती है, तो एक एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, द ग्लोबल पार्टनर्स फॉर द प्लास्टिक सर्कुलरिटी, इसके अंदर 3 बड़े संगठन शामिल हैं, जैसे कि प्लास्टिक यूरोप, अमेरिकन केमिकल काउंसिल एंड द ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इनका कहना यह है कि द ग्रुप आर्ग्यूज दैट द प्रोडक्शन लिमिट वुड लीड टू हायर प्राइस फॉर द बायर्स। इनका कहना कि प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट नहीं लगनी चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के वो हाई हो जाएंगे, एक इन्फ्लेशन
टाइप चीजें देखने को मिलेगी हमको, है ना। द ट्रीटी शुड डील विद प्लास्टिक ओनली आफ्टर दे आर मेड, तो इनका कहना है कि प्लास्टिक बन जाने के बाद, उसका प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको कैसे डील करना है, हमें ऐसे पे काम करना पड़ेगा, तो उसको मैनेज कैसे करना है। प्लास्टिक ओवरशूट डे है, उसको हमें एक्सटेंड करना है। और जो केमिकल कंपनीज हैं, जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक, कि जितना भी प्लास्टिक हम बनाने वाले हैं, उत्पादन उसका करने वाले हैं, वो ऐसा हो कि उसका रीयूज हो और उसको रिसाइकल किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि भाई कंपनी जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं प्लास्टिक के लिए, या फिर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं, उनको तो नुकसान होगा, उनका तो जो घाटा चला जाएगा, उनका बिजनेस ठप हो जाएंगे, तो वो तो ऐसी चीजों को सपोर्ट करेंगे, है ना। इसके अलावा आप देखोगे जो कंपनीज हैं, शुड बी परमिटेड टू रिलीज इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल प्रोसेस वॉलेंटरली, तो ये अमेरिका का कहना है कि जो कंपनी है उनको वॉलेंटरली केमिकल प्रोसेस को रिलीज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बाइंडिंग नेचर का हो, ठीक है। नाउ कंपनी क्या चाहती है, ये तो इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो उन्हीं का भी एक संगठन है, बिजनेस कोएलिशन फॉर ए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये एक 200 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों का, जायंट कंपनियों का एक ग्रुप है, जिसमें कोका कोला, पेप्सिको, नेस्ले और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो इनका भी यही कहना है कि ट्रीटी जो है ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूड करे प्रोडक्शन लिमिट्स एंड यूजेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड फेज आउट। तो कंपनीज यहाँ पे, खैर इनका एक अलग से इनका स्टांस हमें देखने को मिला कि कंप्लीटली फेज आउट चाहते हैं प्लास्टिक का, और ये सपोर्ट करते हैं रीयूज पॉलिसीज, प्रोडक्शन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा इंक्रीज्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम कहते हैं EPR। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, उसने प्लास्टिक बनाया है, और फिर प्लास्टिक जो है वातावरण में चला गया, हमारे एनवायरमेंट में चला गया, तो उसको मैनेज करने की, उसको खत्म करने की, रिसाइकल करने की जिम्मेवारी भी उसी कंपनी की होगी। जैसे कोका कोला है, कोका कोला ने एक एक बोतल बनाई है प्लास्टिक की, जिसमें कोका कोला को बेचा गया है, कोका कोला पीने के बाद ये प्लास्टिक की जो वेट बोतल है, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट में बदल जाएगी। तो इस वेस्ट को मैनेज करने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी, कोका कोला की ही रहेगी। इसको EPR कहा जाता है, आई थिंक आप इसको समझते होंगे, ठीक है। और जो पॉलिसीज हैं फॉर द डीलिंग विद वेस्ट, इन चीजों को सपोर्ट करती हैं कंपनीज, राइट। इसके अलावा एक बड़ी बात फिर मैं आपको ये बता दूं कि एक एनजीओ टाइप है, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक, उनकी एक रिपोर्ट आई है, दी ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट 2018, और 2022 में भी सेम इन्होंने बातें कही हैं। इनका कहना यह है कि जो टॉप पोल्यूटर्स हैं विश्व में, वो कोका कोला है, पेप्सिको है, नेस्ले है एंड वॉलमार्ट है। तो आप देखिए ये जो देश हैं, इनको अपनी EPR समझना पड़ेगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें समझनी पड़ेगी, कि जितना प्लास्टिक आप वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो मीन्स उत्पादन कर रहे हो, उसको आपने मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया ने बैन किया था, आपको पता है, इसके भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो अपना जो सामान है बेच पाने में अपने आप को कठिनाई में पा रही हैं, कि सिंगल यूज प्लास्टिक में इनका सामान बिकता था, और उसके ऊपर बैन लगने पे इन पे छापेमारी हो रही है, ठीक है। हालांकि चोरी छुपे ये सब सब चीजें चल रही हैं, बन रहा है भारत में, वो कंप्लीटली रुका नहीं है, बट फिर भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं लाइवलीहुड इससे अफेक्ट हो रही है। तो ये सेशन था, और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट्स थी जो हमने डिस्कस की है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है, ये जो प्लास्टिक है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, और इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस पृथ्वी से इरेडिकेट कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, प्लीज से कमेंट बॉक्स में आप लिखना और मुझे भी बताना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।